Welcome back guys to realcraft. और guys आज हमें प्लेस नेदर जाने वाले हैं because हमें थोड़े से प्लेस चाहिए होंगे जिनसे हम रॉड बना सकते हैं. और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को एक रॉड मिली थी जब मैं गया था वहाँ पर. एक ब्लेज ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, मैंने फिर उसको एक हिट में मारा तो मेरे को एक ब्लेज रॉड मिल चुका था. तो मैं मेरे पास ना एक ब्रिविंग स्टैंड भी है क्योंकि बिकॉज विलेज में एक घर है कैसल टाइप का जहाँ पर ये मेरे को ब्रिविंग स्टैंड मिला था बिल्कुल कॉबर स्टोन से, तुम लोगों को तो पता ही है. और अब चलते अभी सबसे पहले ना फायर रेजिस्टेंस के कुछ पोर्शन बना के हम नेदर चलेंगे बिकॉज उन पोर्शन के बिना तो भाई ब्लेज मेरी लाइक ऐसी ही तैसी कर देंगे भाई. सच में बोतल कहाँ पर गई भाई? मेरा बोतल कहाँ पर गया गाइस? मैं अभी ढूंढ रहा था एंड मेरे को यहाँ पर 64 बोतल दिख चुकी है तो दैट्स नाइस. और मैं अभी 3 फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन ले जाने वाला हूँ नेदर के अंदर ताकि यू नो व्हाट मैं फायर से डैमेज ना हो. तुमको तो पता ही है कि नेदर लाइक पूरी तरह से घिरा पड़ा है एंड अगर मेरे पास फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन ही नहीं होंगे तो फिर आई मीन मैं लाइक सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा बेसिकली. मैं ये बोलना चाहती थी तो अभी सबसे पहले चलते हैं और पोर्शंस बनाते हैं एंड उसके बाद हम लोग नेदर चलेंगे. तो मेरा अभी यहाँ पर ऑकवर्ड पोर्शन बन रहा है एंड देखते हैं भाई ऑकवर्ड पोर्शन के बाद कितना लाइक टाइम लगता है ऑकवर्ड पोर्शन बनने का. ये फाइनली हो चुका है एंड ऑकवर्ड पोर्शन एंड अब मेरे को एक मैग्मा क्रीम चाहिए एंड अब ये फायर रेजिस्टेंस बन जाएगा पक्का. फायर रेजिस्टेंस के हमारे पोर्शन बन चुके हैं तीनों, दैट्स वेरी नाइस. एंड अब अरे यहाँ जगह बनानी पड़ी है. नहीं अभी मैं अपनी ये नेदर वाली चेस्ट में इन बॉटल, ये ब्लेज पाउडर, खाली बकेट इनको रख देते हैं एंड अपने इन बॉटल्स को ये तो भाई ले जाते हैं अपने साथ बिकॉज हो सकता है भाई काम में आए. एंड मेरी वो कहाँ है ये मैं रखने वाला हूँ ये भी. एंड मेरी वो एन्चेंटेड पिकैक्स ये रही, अपना आर्मर, इस आर्मर को लाइक हटा देते हैं ताकि लाइक हम ना मरे तो फिर ये आर्मर हमारा वेस्ट ना हो जाए बेसिकली. ऑलराइट गाइस तो मैंने फाइनली लाइक सब कुछ सेटल कर दिया है एंड मैं अपनी ये फायर रेजिस्टेंस पोर्शन को बोतल को हाथ में रखता हूँ एंड अब भाई चलते हैं भाई नेदर के अंदर, देखते हैं. मेरे को फोर्ट्रेस मिली थी वहाँ पर ब्लेज इकट्ठा करेंगे. फाइट करना बहुत मुश्किल होता है
मैंने अभी ना अपने ये वाले घटिया टूल दे देते हैं, रख देते हैं अभी, और ये ले लेते हैं और अपनी वो कहाँ पर है अपना वो अच्छे वाला आर्मर भी इसको बहुत उतार सकते हैं। नाइस, देखो भाई टेम्परेचर कितना लो जा रहा है। ऑफ कोर्स जाएगा ही ना, कितना लाइक इतने सारे आग में नहाई हूँ मैं। ऑफ कोर्स रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है ना, आई मीन रेजिस्टेंस पोर्शन है फायर का बट स्टिल करनी तो लगेगी। ओके तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले सो सकता हूँ क्या? नहीं यार, व्हाट द हेल। अभी एक काम करते हैं हम, ये जो है सबका नहीं सबका ब्लेज 28 भाई साहब तबाही। ये ना एक्चुअली बहुत अच्छा हो गया, मैंने वहाँ पर डोर वोर लगा दिया था ताकि वॉट जब भी वो स्पॉन ग्राम को मारता रहूँ। ये बहुत अच्छी बात है, 29 हो गया अपने पास, ये बहुत अच्छी बात है। अभी ये ले लेते हैं एक, एंड एक ये ले लेते हैं। कोई मिनट, मेरे पास पानी ही नहीं है, मेरे को पानी चाहिए होगा। अरे यार ये ना देख ना, मैं आया हूँ तो मार कौन रहा है? हेलो सर, वो पेट पे तबाही भाई, तबाही मची हुई। ओ नो क्रीपर, शिट, अबे यार व्हाट द हेल इज दिस। हाँ नहीं तो मैं आया हूँ, ओ माय गॉड ये कैसा बना है। Yeah.
एक हिट में है ये, इनको ना सेंस देना चाहिए था कि बंदा स्ट्रॉन्ग है, नहीं लिपटा अपनी जान बचेगी, नहीं बंदा बंदे को कमजोर समझ के आ रहा है मारने। अच्छा है तो अभी एक काम करते हैं, ये रख देते हैं एंड ये रख देते हैं ताकि ये ऑकवर्ड पोर्शन बन जाए। ओके तो ये फाइनली ऑकवर्ड पोर्शन बन चुके हैं। अभी यहाँ पे घास चीज रख देते हैं ताकि जनरेशन के पोर्शन बन जाए, ये है ना भाई। ऑलराइट गाइस तो ये बन चुका है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस पे एक रेड स्टोन डाल देता हूँ ताकि ये यू नो व्हाट इसका टाइम जो है थोड़ा बहुत बढ़ जाए। अभी ये कितने का है, 45 आई थिंक, ये ना एक 1 मिनट 30 सेकंड का हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, बिकॉज रेड स्टोन रीजनरेशन में बहुत अच्छी तरह काम नहीं करता पर करता है। वही देखो 1 मिनट 30 सेकंड। अब क्या करे, आई मीन काम करता हूँ ऐसे ही ना, तीन और पोर्शन बना लेते हैं और ऐसे ये फाइनली होने वाला है। प्लीज कम ऑन, हो जा, ओह माय गॉड, हो जा हो जा हो जा हो जा एंड वेरी नाइस। तो फाइनली अपने पास गाइस बहुत सारे रेजिस्टेंस के जनरेशन के पोर्शन आ चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब एंड्रैगन हवा में उछाल देगा, यही इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत जल्दी जल्दी हमारे हेल्थ को रिजनरेट कर देता है, बेसिकली मैं यही बोल रहा था। तो अभी इनको रख देते हैं भाई, और क्या चलिए आज वाली वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।